द हार्ट वॉन्ट्स परफेक्शन. जब आप किसी रिलेशनशिप में भी होते हैं, चाहे शादी हो चाहे शादी ना भी हो, कोई भी हो, आप उस वक्त खाली पॉजिटिव देख रहे होते हैं. जब कोई नेगेटिव बताता है आप बोलते हैं प्लीज अभी नहीं, अभी नहीं, गलत मैसेज नहीं देना आपने मुझे, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स. वो क्या बोल रहा होता है? दिल. क्योंकि आपने जब दिल को झुकाया किसी तरफ, जब आपने एक दिल को एंगेज किया कहीं पे, तो आपने उसको 100% कमिट किया था. आपने 100% कमिट किया था. फॉर एग्जाम्पल, अब किसी की शादी हो रही है, अब शादी होने वाली है, तो उसको 100% पे लेके जाना है आपने, उसकी होप को 100% पे लेके जाना है, फियर को 0 पे लेके जाना है, तब वो जाके एंजॉय कर सकता है अपनी लाइफ को. कि बेटा कुछ नहीं होगा, कुछ हो ही नहीं सकता, बाकी तो अब तो लाइफ इज ऑल अबाउट सनशाइन एंड रेनबोज. आगे तुम्हारी जो है वो जीत ही जीत है, और दुनिया ही बदल जाएगी, और फैंटेसी के अंदर जियो, और कोई मसले की बात ही नहीं आगे तो. लेकिन अगर आपने बताया बेटा अभी शादी करोगे, अभी तो ये फट्टे होंगे, अभी तो वो होंगे, अभी तो ये होंगे, वो बोलेगा इट्स वेरी डिप्रेसिव, आई एम नॉट डूइंग इट, आई एम नॉट गोइंग फॉर इट. अब बिजनेस प्लान की बात कर ले. आप बिजनेस प्लान बनाते हैं तो आप उससे जुनून की हद तक मोहब्बत तब करते हैं और इनिशिएटिव तब लेते हैं जब आपको माइंड, आप दिल को लेके जाएंगे 100% की तरफ. आप वो 50% क्लियर हो जाएगा और 50% के नहीं भी होगा, वो नहीं भी होगा, वो फेलियर माइंड में रखते हुए, दिल में रखते हुए इमोशंस पैदा नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि जब वो मोहब्बत के जुनून में था तो उसने कोई ऐब नहीं देखा, जब वो ऐब और नफरत के जुनून में था उसने कोई खैर नहीं देखी. ये दिल जो है वो चाहता ही है कि या तो परफेक्शन 100% या 100% इम्परफेक्शन. और ये हम बोलते हैं झूठ. जब भी बोला जाता है लव इज ब्लाइंड,